पिछले दिनों में काफ़ी फिल्में यहाँ शूट हो गई। फिल्म सिटी के लिए भी जमीन चिन्हित कर ली गई है। आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीने के अंदर वो फिल्म सिटी लोगों के लगातार हम संपर्क में हैं। और ये जो नई फिल्म पॉलिसी है स्थानीय नौजवानों के लिए, उसमें विशेष प्रावधान हमने किए कि वो अगर कोई फिल्म बनाएंगे, छोटी फिल्म भी बनाएंगे, तो उन्हें हम काफ़ी इंसेंटिव देने जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके, लोग इससे जुड़ भी सके। आज ये वक्त नहीं है कि बाकी बातें मैं करूं, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ईमानदारी से कोशिश की जा रही है कि आवाम की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ठीक हो सके। और एक जो व्यवस्था ऐसी चली आ रही थी कि सुविधा हर चाहिए लेकिन भुगतान किसी चीज का नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे, उनसे मेरा आग्रह है कि ये व्यवस्था लंबे समय तक कहीं भी चल नहीं सकती है। अगर हमें सुविधा चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए जो समर्थ लोग हैं उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। ये व्यवस्था देश में है कि जो गरीब लोग हैं, अक्षम लोग हैं, उन्हें सरकार सहायता देती है, लेकिन सक्षम लोग भी अगर सुविधाओं का भुगतान नहीं करेंगे तो बेहतर सुविधाएं नहीं दी जा सकती। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, संकेत मेरा आप सब समझ रहे होंगे, मैं अब ये वक्त नहीं कि मैं कोई इसमें लंबी तकरीर करूं, लेकिन एक बात का हम भरोसा आप सबको दे सकते हैं कि ईमानदारी से हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास हो, और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अंत में चार पंक्तियां कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, अरे कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा जैमर को बांध। सुनील, भाई साहब साइड में सर, रेडियो पे गाना आ रहा है, निकल जाएगा, पहले सुन लेता ना, 2 मिनट का फर्क पड़ता है। हम जानते हैं हमने किसी बेगुनाह को नहीं मारा, यह तो गुड गाइस। अक्सर सच सही और झूठ गलत होता है, पर इस कहानी में सच और झूठ दोनों ही गलत है। सवाल सही गलत का है, लाइन किस तरफ सही और लाइन किस तरफ गलत। ऐसे दुनिया को डिफेंड करके तुम्हें लगता है तुम कोई महान काम कर रही हो? नहीं, ये महान काम तो तुम्हारा डिपार्टमेंट कर रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे एनकाउंटर। एक अपराध एक दंड, अगर बैठ किसको सजा देंगे आप, करवाने वाले को या करने वाले को?
कहानी सुनाए सर। An evil is coming that threatens our kingdom. They are not prepared for.